नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सटीक बात न्यूज, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शर्मा। गणेश विसर्जन यूपी हरियाणा में डूबने से 11 लोगों की मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी थे शामिल। जी हां, बताया जा रहा है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 4 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई। वहीं सोनीपत जिले में भी 2 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। यूपी के उत्तराव और संत कबीर नगर में भी 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान डूबे 11 लोगों में से 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में शुक्रवार को गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से 4 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों को रेस्क्यू कर बचा भी लिया गया, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 4 युवकों की नहर में डूबने से मौत हो गई। वहीं सोनीपत जिले में भी 2 युवक मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में बह गए। यूपी के उत्तराव और संत कबीर नगर में भी 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ की घटना के बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि 4 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। और जानकारी के मुताबिक महेंद्रगढ़ में करीब 7 फुट की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान 9 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। जिला प्रशासन ने NDRF की मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 के शव निकाले गए, जबकि अन्य को बचा लिया गया और रेस्क्यू किए गए सभी को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया।